गाइस वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम्स। यहाँ पर CONCACAF नेशंस लीग का मैच हो रहा है पेनामा वर्सेस ग्वाटेमाला के बीच 6:30 बजे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि इधर दिन में फुटबॉल की मिनिमम एक टीम प्रोवाइड की, मैक्सिमम एक टीम प्रोवाइड की जाती है सिर्फ, वो भी एज अ जैकपॉट जो मैच होता है अच्छा सिर्फ उसकी, ठीक है। बाकी टीम प्राइम में आती है, पहले ही बता दूँ, जिनको जुड़ना हो जुड़ सकते हैं, जिनको नहीं जुड़ना वो ना जुड़े, क्योंकि जोर ज़बरदस्ती मैं करता नहीं। और सेकंड बात ये गाइज, जो वर्ल्ड कप चल रहे हैं उनकी भी वीडियो आपको अपकमिंग मतलब मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड कप मज़ा आ रहा है मेरे को इस बार। मैं चाह रहा हूँ कि 19 नवंबर जल्दी ना आए, क्योंकि भाई मज़े चल रहे हैं अभी वर्ल्ड कप के अंदर। इतनी हम एंड तक इतना कमा चुके होते हैं कि फुटबॉल खेलने की कई बार तो ज़रूरत ही नहीं लगती 12:15 बजे तक, इतना मज़ा आ रहा है मेरे को स्मॉल लीग्स में। स्मॉल लीग्स हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रखो बस, ये है वर्ल्ड कप में। तो मतलब जीएल जीतने को देखोगे तो दिक्कत आएगी, यही फुटबॉल में भी है। जीएल जीतने को देखोगे तो टीम गलत बनेगी, स्मॉल लीग की टीम ही ऐसी बनाओ जो जीएल हिट कर जाए, भाई ये सीखो। सबसे पहले स्ट्राइकिंग सेक्शन से अगर बात करें, देखिए पेनामा टीम आपको रैंकिंग में इनसे आगे जरूर दिखेगी, लेकिन इनके प्लेयर ना वैसे मेरे को समझ से बाहर लगते हैं। अगर मैं जेन्युइनली कहूँ तो पेनामा के कुछ सेलेक्टेड प्लेयर्स हैं जो चलते हैं, बहुत सेलेक्टेड अगर मैं कहूँ। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ ना, तो मैं पेनामा का सबसे पहला खिलाड़ी जो लूँगा वो इस्माइल है। ये बंदा नहीं खेला तो जेन्युइनली बता रहा हूँ कि पेनामा टीम हार जाएगी। ये इसका खेलना बहुत ज़रूरी है, ये बादशाह है यार, ये इस टीम का बादशाह है, सीधी बात है। उसके बाद आगे से अगर बात करें तो यहाँ पर है एजर। एजर ने भाई मेरा साथ दे दिया इस बंदे को। मैंने ना 14 अक्टूबर को, मुझे पता नहीं था इसका कमबैक हो रहा है, मैंने ले लिया इसको, रख दिया, क्योंकि आईडियाज खेला नहीं, मैंने फटाफट रख दिया कप्तान सुबह उठ के। तो जब कप्तान रखा आपको पता ही, फिर आप देख ही सकते हो क्या हुआ। और इस बंदे ने बहुत साथ दिया पिछले मैच में। आगे जे चीज़स की बात करें, देखिए क्रिश्चियन जीसस मार्टिनेस का गेम प्ले ऐसा ही है, एक असिस्ट कभी फ्लॉप, ठीक है, कभी असिस्ट कभी फ्लॉप। उसके बाद जो सेफ गेम खेलता है वो आ जाता है आपका एडलबर्टो, मैं आपको सारा बता रहा हूँ। उसके बाद आपका एक प्लेयर और आ जाता है जिसका नाम है जे लुइस रॉड्रिगेज, ये जब कभी कभी खेलता है और कभी कभी ही गोल करता है। सो इनमें से तीनों में से अगर मैं आपको बताऊँ जेन्युइनली तो जीसस बनता है, अगर आप आगे से कोई स्ट्राइकर नहीं ले रहे। अगर आप यहाँ पर फेजेडो को लेते हो, चलो फेजेडो को चलो मैंने मान लिया आपने ले लिया, ऊपर से फिर आप इसको नहीं लोगे एल्बर्टो को, एल्बर्टो को लोगे तो आपका ये छूट जाएगा। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ एक स्ट्राइकर पक्का कर लो ध्यान से। आगे बात करें रूबिन की, रूबिन का पेनल्टी टेकिंग रिशो अच्छा नहीं है, डिसअपॉइंटेड बिल्कुल, पिछले मैच में गोल किया एग्री। उसके बाद 8 सितंबर की बात करूँ तो तब पेनल्टी भी मिस की, तो सच्ची में डोमेस्टिक लीग्स के अंदर भी बहुत पेनल्टी मिस करते हैं, तो रूबिन का पेनल्टी टेकिंग रेशो अच्छा नहीं है। डी लॉम की बात करें, ऐसा कोई जेन्युइन गेम तो मुझे दिखा नहीं कि मैं लूँ प्लेयर को, तो मेरा ऐसा है कि मैं आपको राय दूंगा आप वो सेंटिस को लो। सेंटिस के बाद गैलिंडो को लेना है तो ले सकते हो, या मैं सही बताऊं तो गैलिंडो बनता है। डिफेंडिंग सेक्शन की अगर बात करें तो ई डैविस, ठीक है डैविस को लेंगे। डैविस के बाद जो नेक्स्ट प्लेयर है एफ इस्कोबार, इसकी तो मैं वेट कर रहा था। उसके बाद आंद्रेद, और मुरिलो की बात करूं तो मुरिलो है तो बहुत जेन्युइन प्लेयर, बट इसको कैसे लें, फिर आपका एंड्रेड छूट जाएगा। एंड्रेड कर रहा है थर्ड डिफेंडिंग, और इंटरनेशनल्स के अंदर थर्ड डिफेंडिंग कई बार धोखा दे देती है, तो ऐसा है कि चलो मैं तो चाहता हूँ आज एंड्रेड ना ही चले, धोखा मिल ही जाए। एंड आगे से बात करें गोल कीपिंग की तो यहाँ पर है हैगन, तो एन हैगन को लेंगे, और हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है, और ना मैं चाहता हूँ किसी और टीम के, मतलब मैं ना मैं चाहता हूँ कि मैं मुस्कैरा को लूँ, सीधी बात है। अगर मेरे पास ऑप्शन होती भी तो भी मैं मुस्कैरा को ना लेता, इतना बड़ा मैं आपको दिल करके ये चीज़ कह रहा हूँ। बात करें कप्तान की, देखिए कप्तान आइडियाज़ अगर खेला नहीं खेला तो फिर आप इसको रखना जे फेजेडो को, अभी मैं इस कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा हूँ। पिछले मैच में मैंने यूएल को रख लिया था, बट मैंने सोचा नहीं था गोल करेगा, वो जल्दबाजी में रख दिया नींद में, तो वो मैं अपनी ऊपर नहीं कह रहा कि मैंने कप्तान बना दिया हम फुटबॉल के बाप हो गए, ऐसा नहीं है कुछ, वो तो मेरे से गलती से मेरे से तुक्का लग गया ना कि पिछले मैच में उसने 107 पॉइंट दे दिए। अंदर से मैं तो खुश नहीं था इस चीज़ से, वो तो मैं जीत गया, क्योंकि मैं हमेशा जेन्युइन बात करता हूँ, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ कि भाई मैंने बताया था, नहीं, जिस चीज़ को मैंने बोला था मैं बोलूँगा, और जिस चीज़ को मैंने नहीं बोला और अगर वो मुझसे गलती से हो गया तो मैं वो भी बोलूँगा। आइडियाज़ कप्तानी ऑप्शन है, ये है भी कप्तानी ऑप्शन है, नहीं खेलता आइडियाज़ तो इसको वाइस कप्तान रख लेना, ठीक है। आप फिर ई यूएल को वाइस कप्तान रख लेना, कैप्टन फेजेडो को रखना अगर नहीं खेलेगा डियाज़। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।